जय हिंद साथियों, मैं प्रबल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एग्जामपुर में। आज हम एक बहुत ही बर्निंग इशू के ऊपर बात करने वाले हैं, बहुत ही एक महत्वपूर्ण मुद्दा के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज की जो क्लास है, पूरा का पूरा डिस्कशन मैं आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूँ। आप लोगों को पता होगा, शायद आप लोगों ने अगर ध्यान दिया होगा, डेली अगर न्यूज पेपर आप पढ़ते हैं या न्यूज देखते हैं तो आपको पता होगा, क्योंकि बहुत ही जबरदस्त एक युद्धाभ्यास, आपकी एक्सरसाइज, वो भी किस तरीके का आपका नेवल एक्सरसाइज है, इंडिया और यूएस के बीच में 2 दिन का ये नेवल एक्सरसाइज, ये भारत और अमेरिका के बीच में अभी संपन्न हुआ है। कहां पे भाई? तो ईस्टर्न इंडियन ओशियन रीजन में, यानी कहने का मतलब है कि जो हिंद महासागर का जो पूर्वी हिस्सा है, वहां पे ये नेवल एक्सरसाइज हुआ है भारत और अमेरिका के बीच में 2 दिन का। ये बराबर तो आपने बोला कि ठीक है, इस नेवल एक्सरसाइज में आखिर में दिक्कत क्या है और महत्वपूर्ण बात क्या है, इससे भारत को क्या फायदा होने वाला है और किसके लिए हमने एक्सरसाइज किया है, हमारा उद्देश्य क्या है, मोटो क्या है। हमने बोला कि ठीक है, तो पहले 2-3 बेसिक बात आप लोगों को जानना है। पहला बात यह जानना है कि ये एक्सरसाइज आपके ईस्टर्न इंडियन ओशियन रीजन में हुआ है, इंडिया और यूएस के बीच, इंडिया और यूएस के बीच में हुआ है। ये एक प्रकार का नेवल एक्सरसाइज है जिसमें भारत की नौसेना और वायुसेना ने पार्टिसिपेट आपके दोनों ने किया है। तो आपके अंदर ये होगा कि चलो ठीक है भैया, इस बात को हम समझ गए। तो अब यहां पे हेडिंग मैंने आपको पोस्टर में ही दिखा होगा कि मैंने हेडिंग में लिखा है कि अब चीन का क्या होगा। तो जैसे हम इंडियन ओशियन की बात करते हैं, तो इंडियन ओशियन में आपको ध्यान आ जाता है कि किस तरीके से चाइना अपने प्रभाव को बढ़ाने के चक्कर में रहता है, हमेशा कैसे आपके फिराक में रहता है। तो ये देखिए, अगर आप इंडिया को देखोगे तो इंडिया में इस वाले पार्ट को देखें तो ये वाला पार्ट आपको इंडियन ओशियन है। इसी इंडियन ओशियन के ईस्टर्न रीजन में भारत और अमेरिका के बीच में युद्धाभ्यास हुआ है, जिसको एपेक्स के नाम से जाना जाता है, सॉरी पैसिक्स के नाम से जाना जाता है। किसको भाई? पैसेज एक्सरसाइज, पैसिक्स के नाम से आपको जाना जाता है। ये देखो, पहले से ही हमारा विवाद है, अक्साई चीन वाला ले लीजिए, आप इधर से अरुणाचल प्रदेश वाला ले लीजिए, यहां पे कहीं ना कहीं डोमिनेंट करने की कोशिश करता है, लेकिन ये हमारा पार्ट है, ये अभी निश्चा है, इससे कोई भी मतलब नहीं है ना, हम पीछे हटने वाले भी नहीं है। अब चाइना पिछले कुछ समय में चाइना अपनी स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस को इंडियन ओशियन में बढ़ाने की कोशिश में लगातार था, इस बात को आपको समझने की जरूरत है। अब उसके उसको काउंटर करने के लिए भारत किसके साथ जाएगा? तो उसको काउंटर करने के लिए भारत और अमेरिका ने हाथ मिलाया, और 2016 से जिस तरीके से भारत और अमेरिका के बीच में जो संबंध रक्षा के क्षेत्र में आपका बढ़ा है, और अमेरिका ने जून 2016 में भारत को सबसे बड़ा रक्षा सहयोगी भी आपको बताया था, वो कहीं ना कहीं चीन के लिए मतलब एक नींद उड़ाने वाली खबर है, चीन के लिए नींद उड़ाने वाली एक आपकी रणनीति के तौर पे देखा जा सकता है। तो सीधे तौर पे अगर हम इस बात को मैं समझाऊं तो यहां पे इंडियन ओशियन में सीधे तौर पे चीन को काउंटर करने के लिए भारत और अमेरिका में इस प्रकार के आपके मजबूत एक्सरसाइज होते रहते हैं। और अभी 22 जून से 2 दिवसीय 2 डेज का एक्सरसाइज था, जिसमें भारत के महत्वपूर्ण युद्धक विमान, भारत के महत्वपूर्ण नौसेना पोत और अमेरिका के तरफ से भी उसके जो सबसे महत्वपूर्ण आपके बेड़े और युद्धक विमान है, वो इसमें पार्टिसिपेट किए थे। और कहीं ना कहीं यह संदेश देने वाला था कि चीन जिस तरीके से आपकी इस इंडियन ओशियन वाले रीजन में चीन की जो प्रेजेंस आपकी बढ़ती जा रही है, और वो भी मिलिट्री प्रेजेंस, सैन्य उपस्थिति को रोकने तथा आपसी समन्वय को, इंडिया और अमेरिका के बीच में जो आपसी कोऑर्डिनेशन है उसको बढ़ाने के उद्देश्य से ये एक्सरसाइज आपका किया गया है, जिसको किसके नाम से जाना जाता है भी? पैसिक्स के नाम से जाना जाता है। इसको क्या बोलते हैं? पैसेज एक्सरसाइज, जो इंडिया और यूएस के बीच में 2 दिन का नेवल एक्सरसाइज, कहां पे? तो इंडियन ओशियन के ईस्टर्न रीजन में आपका हुआ था। आपने बोला कि ठीक है भाई, आपने देखा ट्रंप के समय से ही इस प्रकार
परिवार के दोनों के दोनों सैनिकों के बीच में हमेशा कोई ना कोई एक्सरसाइज होता है। तो मैंने क्या बोला कि क्षेत्र में सीधे तौर पे आप देखिए कि इंडियन ओशियन वाला जो रीजन है उस रीजन की हम चर्चा करें तो वहां पे चीन की जो आपकी दिन पर दिन जो सैन्य उपस्थिति बीच में बढ़ती हुई दिखती थी और हमेशा इंडियन ओशियन में आपको देखने को मिलता था कि किस तरीके से चाइना पूरा का पूरा अपना कंट्रोल डेवलप करने की कोशिश कर रहा है। और जो भी बच्चे आपको हिस्ट्री पढ़ते होंगे उनको पता था कि अगर समुद्र में जिसकी स्थिति मजबूत होती थी उस समय भी जब हम 15 सेंचुरी के लास्ट डिकेड की बात करते पुर्तगालियों के समय में उसकी स्थिति मजबूत मानी जाती थी। तो भाई अभी के समय में हमारा ओशियन और इंडियन ओशियन में जहां पे हमारी स्थिति मजबूत होनी चाहिए किसी और देश की होगी तो कहीं ना कहीं हमारे लिए खतरे की बात है। अब लेकिन ये स्थिति को काउंटर करने के लिए चाइना को चुनौती देने के लिए और चाइना की जो दिन पर दिन आपकी सैन्य उपस्थिति बढ़ती जा रही थी उसको काउंटर करने के लिए हमने अमेरिका के साथ वहां पे समझौता किया और अमेरिका के साथ हम लोग दिन पर दिन यहां पे आपसी कोऑर्डिनेशन बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। यही इस एक्सरसाइज का महत्वपूर्ण आपका उद्देश्य है। तो भारत और अमेरिका की सेनाओं ने हिंद महासागर में 22 जून को दो दिवसीय आपके बड़े युद्धाभ्यास की शुरुआत करी और ये कहां पे भाई केरल की राजधानी तिरुवंतपुरम के पास ये आपका युद्धाभ्यास हुआ। तो युद्धाभ्यास का मतलब क्या होता है आप लोग समझते हैं ना, मिलिट्री एक्सरसाइज का मतलब, नेवल एक्सरसाइज का मतलब कि दोनों देशों की सेना आपस में चीजों को आदान प्रदान करेगी, स्किल की कोऑर्डिनेशन बढ़ेगा, यूनिटी बढ़ेगा और कहीं ना कहीं हमारे पास जो इंटरडिपेंडेंसी है वो भी बहुत ज्यादा मजबूत आपका होगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं शानदार तरीके से कि यहां पे दिया है कि इंडियन एयरफोर्स फाइटर्स वेयर आल्सो इंक्लूडेड इन नेवल एक्सरसाइज। तो याद रखिएगा कि यहां पे ये था नेवल एक्सरसाइज, ये था नेवल एक्सरसाइज लेकिन इसमें इंडियन एयरफोर्स के जो फाइटर्स थे इंडियन एयरफोर्स फाइटर्स इसमें आपके शामिल थे, अफोर्डिंग द आईएएफ ऑन अपॉर्चुनिटी टू प्रैक्टिस एयर इंटरसेप्शन एयर डिफेंस विद द यूएस नेवी। तो समझ गए ना आप लोग। तो इस तरीके से आपको देखने की जरूरत है कि इसमें भारत के जो वायुसेना है उसने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था। आपने बोला कि डन, युद्धाभ्यास के लिए अमरीका ने परमाणु हथियारों, अब कौन कौन से अमरीका की तरफ से कौन आपके विमानों ने या कौन से आपके पोतों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, भारत की तरफ से कौन पार्टिसिपेट किया, इस बात को हमें देखने की जरूरत है। तो बताया जाता है कि यहां पे यूएसएस रोनाल्ड रीगन, ये जो आपको दिख रहा है ना भाई, यही यूएसएस रोनाल्ड रीगन है, यही आपके यूएसएस रोनाल्ड रीगन है। तो अमेरिका के तरफ से ये जो सबसे महत्वपूर्ण, और यहां पे यूएसएस रोनाल्ड रीगन की बात करें तो यहां पे एटॉमिक आपके वेपन्स आपके हैं, परमाणु हथियारों से लैस, परमाणु हथियारों से लैस ये जो विमान वाहक जो पोत है यूएसएस रोनाल्ड रीगन के नेतृत्व में नौ सेना वाहक युद्धक समूह को तैनात यहां पे किया गया है। आपने बोला कि ठीक है, युद्धाभ्यास में आपके F-18 ये जो आपको दिख रहा है ये कौन है भाई, F-18 लड़ाकू विमान और E-2C हॉक आई ऑल वेदर विमान भी इसमें पार्टिसिपेट किया, किसके तरफ से, अमरीका के तरफ से। इस बात को आपको ध्यान रखने की जरूरत है। तो देख रहे हैं आप लोग, सबसे मैं बार बार यूएसएस रोनाल्ड रीगन की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यूएसएस रोनाल्ड रीगन की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि ये जो आपका पोत है वो विमान वाहक पोत है और यहां पे इस पे एटॉमिक आपके वेपन्स भी हैं, आपके यहां पे परमाणु हथियार भी है, इसके नेतृत्व में अमरीका ने इस युद्ध में इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया था, इस बात को समझना। और यहां पर F-18 लड़ाकू विमान और दूसरी तरफ हम बात करें तो यहां पर E-2C हॉक आई ऑल वेदर विमान जो किसी भी मौसम में आपका काम करेगा ये अमेरिका की तरफ से आपके पार्टिसिपेट किया। आपने बोला कि डन, ये पूरी बात समझ में आ गया। अब आपके अंदर क्वेश्चन आएगा कि भारत की तरफ से किसने, तो भारत की तरफ से जगुआर देख लीजिए, सुखोई 30 देख लीजिए और उसके बाद आपके IL-78 देख लीजिए। IL-78 हवा से हवा में ईंधन भरने वाला टैंकर, हवा से हवा में ईंधन भरने वाला टैंकर विमान तथा युद्धक पोत कोची और तेज हिस्सा आपके ले रहे हैं। भारत की तरफ से कौन हिस्सा ले रहा है यह भी मैंने बात बता दिया। नौसेना ने भी P-8I समुद्री निगरानी विमान और MiG-29 के समेत अन्य पोतों और विमानों को युद्धाभ्यास में शामिल किया है। तो मैंने आपको यह बात बताने की कोशिश करी कि अमरीका की तरफ से कौन कौन से विमान पोत, कौन कौन से आपके इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, भारत की तरफ से कौन पार्टिसिपेट कर रहा है यह भी मैंने आपको बताने की कोशिश करी। आप इसके माध्यम से दिखा सकते हैं कि हमारे पास भी हथियारों की कमी नहीं है।
हाँ, तो बात समझ गया आप लोग। तो भारत के तरफ से यहां पे भी जो हमारे एडवांस टेक्नोलॉजी वाले जो आपके विमान है वो आप फाइटर जेट है वो इसमें पार्टिसिपेट करें। अमेरिका के तरफ से भी तो मैंने ही दिखाई यूएसएस रेनाल्ड रीगन, मैं रोनाल्ड रीगन के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, अब यहां पर आपको समझने की जरूरत है। चलो भाई, अब यहां पर एक सबसे महत्वपूर्ण क्या बात है कि यूएस की जो यूएस का आपका करियर स्ट्राइक ग्रुप है सीएसजी फिलहाल आपके हिंद महासागर क्षेत्र में ही तैनात है। अब आपके अंदर क्वेश्चन होगा कि भाई ये आपने इसके ऊपर फोकस क्यों किया, यूएस करियर स्ट्राइक ग्रुप यानी सीएसजी के ऊपर क्यों फोकस किया? अगर इंडियन ओशियन में तैनात है तो उससे हमें क्या फायदा होने वाला है, हम क्या सीएसजी से क्या समझते हैं? तो सीएसजी जो आपका करियर स्ट्राइक ग्रुप है, समझिएगा आप लोग कि नौसेना का बहुत ही बड़ा आपका दस्ता होता है जिसमें एक विमान वाहक पोत के साथ साथ कई विध्वंसक और अन्य पोत शामिल होते हैं। और इसमें जो विमान वाहक पोत होता है जो अमेरिका की तरफ से इसको लीड कर रहा था, मैंने आपको दिखाया भी, उसका नाम क्या था, यूएसएस रोनाल्ड रीगन, वो विमान वाहक पोत वहां पे परमाणविक हथियार भी है, एटॉमिक आपके वेपन्स भी है, और उसके साथ साथ आपके एक तो मेन हो गया उसके साथ और भी बहुत सारे इसमें क्या होते हैं, शामिल होते हैं। तो अभी के समय में इंडियन ओशियन में कहीं ना कहीं जो सीएसजी है, जो करियर स्ट्राइक ग्रुप जो यूएस की है, वो हिंद महासागर में इंडियन ओशियन में तैनात है, जो आपके नौसेना का एक बड़ा दस्ता होता है नेवी का, जिसमें एक विमान वाहक पोत के साथ साथ कई विध्वंसक और अन्य पोत आपके शामिल होते हैं। अब आपके अंदर क्वेश्चन आएगा कि भाई दो दिवसीय जो 2 डेज का जो आपका नेवल एक्सरसाइज हुआ उसका उद्देश्य क्या है, उसका मोटो क्या है, यह बात भी हमें समझने की जरूरत है। तो ये जो 2 दिन का आपके नेवल एक्सरसाइज हुआ उसका मोटो ये है कि भारत और अमेरिका के संबंध को मजबूत किया जाए, फिर से, क्योंकि चाइना अमेरिका के लिए भी एक चुनौती है, भारत के लिए भी चुनौती है, और भारत और अमेरिका दोनों अभी के समय में जिस तरीके से इकोनॉमी के सेक्टर में, पावर के सेक्टर में जिस तरीके से इमर्ज हो रहा है, अगर दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन बनता है तो कहीं ना कहीं चाइना को हम बेहतर तरीके से चुनौती दे सकते हैं। और इंडियन ओशियन में जिस तरीके से चाइना अपने मिलिट्री प्रेजेंस को यहां पर प्रूव करने में और बढ़ाने में, एक्सपांशन में लगा हुआ है, उसको हम चुनौती देके उसको कम कर सकते हैं, रोक सकते हैं, उसके विस्तार के ऊपर हम लोग नियंत्रण साबित कर सकते हैं। तो समझ गए, तो अगर तो इस युद्धाभ्यास के ये जो नेवल एक्सरसाइज है, ये नेवल एक्सरसाइज है, लेकिन भारत के आईएफ इंडियन एयरफोर्स के फाइटर्स भी इसमें पार्टिसिपेट किए हैं, लेकिन ये है क्या, नेवल एक्सरसाइज। तो 2 दिवसीय युद्धाभ्यास का उद्देश्य यही है आपके कि द्विपक्षीय बायलेटरल रिलेशन को मजबूत किया जाए, स्ट्रॉन्ग किया जाए, समुद्री अभियानों में जो आपके ओशियन जो कैंपेनिंग होते हैं उसमें जो कोऑर्डिनेशन की जो कैपेसिटी है उसको प्रदर्शित किया जाए, जो भी समुद्री अभियान है भारत और अमेरिका मिलके उसमें आगे बढ़ेगा। और साथ ही साथ अब आपको पता है कि पिछले कुछ वर्षों से भारत और अमेरिका के बीच में रक्षा संबंध में मजबूती भी आई है, और अमेरिका ने खुद जून 2016 में भारत को अपना सबसे बड़ा रक्षा सहयोगी माना है। तो इसका मतलब यह है कि इस युद्धाभ्यास के माध्यम से तो 3-4 बातें हमें पता चली कि यह युद्धाभ्यास हम लोग क्यों कर रहे हैं, चाइना को काउंटर करने के लिए, यह युद्धाभ्यास कौन सा था, यूएस के तरफ से कौन पार्टिसिपेट कर रहा था, और यूएस का जो आपका करियर स्ट्राइक ग्रुप है वो क्या है, यूएस रोनाल्ड रीगन के बारे में मैंने आपको बताया वो क्या होता है, और इस तरीके से भारत के कौन कौन से इसमें फाइटर जेट, भारत के कौन कौन से आपके वेपन्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इन बातों की भी हमने आपके बीच में चर्चा करी। तो ये ऐसे ही बर्निंग इशू मैं आपके बीच में हमेशा लेके आते रहूंगा। अगर आपको अच्छा लगता है सेशन तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर करेंगे। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है, बातें हमारी समझ में आई है, तो आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर और लाइक करके आप लोग प्यार देंगे। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगता है तो ऐसा ही हम आपके बीच में ये सेशन लेते आएंगे, और डेली रात को 10 बजे 5 मिनट का मैं एक सेशन लेके आता हूं जो आप लोगों के लिए क्या होता है, इंपॉर्टेंस ऑफ टूडे, आज का दिन महत्वपूर्ण क्यों है उसके बारे में मैं डिस्कस करता हूं। तो आज का ये जो मैंने बताया एक्सरसाइज उसको आप बेहतर तरीके से नोट कर लेना, समझ लेना, और इसके बाद फिर से हम किसी न किसी बर्निंग इशू के साथ आपके पास आएंगे। तब तक के लिए आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद साथियों।